आज मैं बताऊंगी कि ये वाला बॉर्डर आस्तीन में कैसे लगाए हैं। और ये अस्तर वाला ब्लाउज है, तो जो नए हैं उनको तो पता नहीं होता कि कैसे लगाना है, इसीलिए मैं उनके लिए भी बता रही हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये जो अस्तर है, ठीक है, तो इसको इतना आधा इंच ले करके मैं, देख रहे हैं ना, ये पूरा आस्तीन पे आधा इंच से थोड़ा कमी है, ठीक है, इसमें पूरा मैं सिलाई लगाऊंगी, देख रहे हैं आप। तो ये मैं निशान दे दी हूँ, इसी पे मुझे सिलाई लगाना, कपड़ा नीचे से रख दी हूँ, अस्तर ऊपर से रख करके इसमें मैं पूरा सिलाई लगाती हूँ, ठीक है, उसके बाद इसको बैठाऊंगी। देख सकते हैं इसमें मैं पूरा सिलाई लगा चुकी हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, पूरा सिलाई लगा चुकी हूँ मैं। अब इसे मैं पलट देती हूँ, देखिए ये बहुत इजी होता है। फिर ऐसे पलट दीजिएगा, सीधा कर दीजिएगा, ठीक है, सीधा हो गया। ये ध्यान से देखिएगा, ये अंदर चल गया सिलाई मेरा, इसे ऊपर से ऐसे हम पलट दिए, अब देख सकते हैं। अब मैं ये साड़ी वाला बॉर्डर को इस पे मैं बैठा देती हूँ, बीचों बीच में बैठाइएगा साड़ी वाला बॉर्डर, ताकि एक साइड ना हो जाए, नहीं तो फिर पहनने में खराब लगेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ बताती हूँ, साइड में पूरा लास्ट में थोड़ा फोल्ड कर दीजिएगा, देख रहे हैं आप। फिर इस पे मैं सिलाई लगा देती हूँ, इस तरह से मैं यहाँ से स्टार्ट की, चारों तरफ से सिलाई घुमा दे रही हूँ, ठीक है, चारों तरफ से घुमा दे रही हूँ। देख सकते हैं कि मैं आस्तीन तैयार कर चुकी हूँ, ठीक है, और मैं ये वाला ब्लाउज में लगा के दूसरा वीडियो में दिखाऊंगी, ये खाली है, देख रहे हैं आप, तो इसमें मैं ये वाला लगा के दिखाऊंगी, दूसरा आस्तीन में दिखाती हूँ, ये जो डिजाइन बनाई हूँ मैं, टूनेट लगा के ये डिजाइन भी बनाऊंगी इस बॉर्डर में मैं, और इसमें मैं